शिमित, I'm so happy. अच्छा हो तुम्हारे ऑफिस वालों ने रहने के लिए घर दे दिया, वरना मुंबई में घर ढूंढना इज अ बिग टास्क ना. स्वीटहार्ट, तुम तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अरे बेटा, रोड तो खाली है. पर हमने तो देखा था. बेटा कोई भी नहीं है. कोई नहीं है बेटा, चलो अपने नए घर चलते हैं. क्यों बच्चों, कैसा लगा नया घर? पापा, पापा बहुत अच्छा है. कैसा लगा घर? बहुत अच्छा. वैसे भी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा. I'm lucky for you, right? Actually, my daughters are lucky for me. Riya Sakshi, come here. My angels are lucky for me, right? Correct? Yeah. वैसे पापा, मैं घर देखने जाऊँ, please? Of course, तुम्हारा घर है, जाओ देखो घूमो. या मैं इस तरफ जा रही हूँ. दीदी मैं इस तरफ जाती हूँ. Okay. बच्चे देख लेंगे. बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे तो घर देख रहे हैं ना. वाओ वाओ, ये तो कोई बेसमेंट लग रहा है. रिया, रिया, रिया बेटा, रिया तुम यहां हो? रिया, 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 रिया क्या तुम यहां हो? रिया, बेटा तुम वहां कैसे पहुंची? रिया, रिया, ये तुमने क्या पहना है? हाँ, निकालो इसे. पापा, मुझे लगा यहाँ पे और आप मुझे मैजिक दिखा रहे हैं, और यहाँ पे केक था और ढेर सारे बलून्स लगे थे यहाँ पे. बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. कहाँ है कुछ? और पापा तो तुम्हें ऊपर ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम यहाँ बेसमेंट में पहुंची कैसे? तुम ठीक तो हो ना?
आइंदा मत आना यहाँ। आ जाओ बेटा। जान ही निकाल दी थी। तुम मेरी जान हो। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नमस्कार। कमाल है यार, एक अच्छा रोमांटिक माहौल बना रहा हूं मैं। और तुम हो के माहौल। शिमित, वहां कोई है? मैंने अभी देखा, वहां कोई है। तुम यहीं रुको। पकड़े गए हो। चलो बाहर निकलो, देख लिया मैंने। कम ऑन कम ऑन। पापा पापा, सच में हमने कुछ भी नहीं देखा। सच्ची पापा, हमने डांस भी नहीं देखा। ठीक है ठीक है, तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकते हो। Are you sure? Sure बेटा, आओ। कम कम कम। तो पापा बताइए, मम्मा आपकी क्या लगती है? मम्मी मेरी? अब मम्मी मेरी वाइफ है बेटा। पर थोड़ी देर पहले तो आपने उन्हें जान कहा था। पर पापा, जान तो उसे कहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो क्या आप मम्मा को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं? बेटा बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम दोनों मेरी जान हो। अब मम्मी तो बस। अच्छा बच्चू। अरे अरे, तो जहाँपना बताइए, इस लेडी को क्या पनिशमेंट दिया जाए? इस लेडी को बेड पे सुला दिया जाए। जी जहाँपना। बच्चा पार्टी अटैक। शिमित, शिमित उठो ना। क्या हुआ? शिमित, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि दो छोटी बच्चियां रोड क्रॉस कर रही हैं और हमने उन्हें गाड़ी से उड़ा दिया। एग्जैक्टली वैसे जैसे उस दिन रिया ने कहा था। ताबी, थकावट और स्ट्रेस की वजह से ऐसे बुरे सपने आते हैं। इनके बारे में इतना मत सोचो,
भूल जाओ इन सपनों को, ऐसा कुछ नहीं है। टेक सम रेस्ट, सो जाओ, गुड नाइट। सुमित तुम सो जाओ, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ वो ठीक से सो रहे हैं कि नहीं। हाँ साक्षी, रिया, ये दोनों कहाँ चली गई? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. साक्षी, रिया, साक्षी, साक्षी, रिया, ये क्या पहन रखा है तुम लोगों ने? उतारो इसे। और ये चाकू कहाँ से है तुम्हारे पास? मैंने अभी अभी एक बर्थडे सॉन्ग की आवाज सुनी थी, ये कौन गा रहा था? हाँ मम्मा, वो मम्मा, वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो हम यहाँ पर खेलने आ गए। बच्चे अगर अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी तो मेरे पास आकर सो जाते, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब आगे से कभी ऐसा मत करना, चलो यहाँ से, चलो। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? जवाब दो, चलो यहाँ से, चलो। मैंने बोला चलो। सुमित जल्दी उठो, सुमित उठो ना। क्या हो गया? What's the matter? सुमित, ये दोनों बच्चे बेसमेंट में थे और वहां कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अभी मेरे साथ चलो, अभी। अभी क्या हो गया तुम्हें यार? Just look at the time यार, इतनी रात हो गई है, कल जाके देखते हैं ना। प्लीज सो जाओ, प्लीज सो जाओ। लेकिन सुमित तुम सब तुम्हारा वहम है, कल बात करते हैं। आ जाओ बच्चा, कम। क्या मैं सचमुच कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? पर बेसमेंट में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, सब चेक करती हूँ। शिमित, शिमित, साक्षी, रिया, हमारे पापा कहाँ हैं? ताबी, ताबी क्या हुआ? तुम ऐसे चीखी क्यों? शिमित, मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा, वो यहीं कहीं था, इसी घर में, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिमित, शिमित, वो मेरे चेहरे के इतने पास था, और वो एक जोकर है। ताबी कुछ नहीं है, तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। कुछ नहीं हुआ। नहीं शिमित, ये मेरा वहम नहीं है, मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा, वो हमें मार डालेगा। शिमित मेरे बच्चे, बेबी प्लीज सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सो जाओ, सो जाओ बच्चों।
मैं मार्शला। नमस्ते, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए, प्लीज कम इन। घर में कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्या। क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? जी, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप रुकिए, जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूँ आप अपनी पत्नी के साथ यहीं इंतजार कीजिए। हाँ। अच्छा बच्चों, इधर आओ। आप मुझे अपना नया घर नहीं दिखाओगे? चलो। अच्छा बच्चों, आप तो अभी इस नए घर में रहने के लिए आए हैं ना, तो आपने अभी तक कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपके मम्मी पापा को भी नहीं, प्रॉमिस। वो क्या है ना, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके फ्रेंड से दोस्ती कर लेती। सच्ची आंटी? सच्ची, तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ ना। वो कहते हैं कि वो हमारे पापा हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं और प्यार भी करते हैं। अच्छा, क्या आप अपने फ्रेंड को इस वक्त देख सकते हो? बोलो, जवाब दो, क्या आप उन्हें देख सकते हो?
डरो मत बच्चों, मैं अभी कैंडल जलाती हूँ। जो बच्चों से बात कर रही है, बच्चों से मिल रही है, वो उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रही है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। मैं फौरन इस घर से शिफ्ट हो जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा इस घर में रह के करना होगा, और जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बेटा थोड़ा सा खा लो, मम्मा कुछ कह रही है ना। रिया तुम तो थोड़ा सा खा लो, तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो एक बार, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? रिया हमें नहीं खाना, हमें खाना में नहीं खाना, क्यों आ रहे हो हमारे पास बार बार? बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर आओ। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? नहीं आप हमसे प्यार नहीं करते, अगर आप प्यार करते तो हमारा बर्थडे नहीं भूलते। अरे लेकिन तुम दोनों का बर्थडे थोड़ी ना है आज। आज हम दोनों का बर्थडे है, आपको नहीं पता, सिर्फ उनको पता है, क्योंकि वही हमारे रियल पापा है, समझे आप? Thank you.
साक्षी, साक्षी आंखें खोलो, पापा है बेटा, बेटा आंखें खोलो, रिया, रिया, साक्षी, रिया उठो, उठने की कोशिश करो, मार्शला जी, रिया, देखिए ना, मार्शला जी, उठिए ना, मैं बोलूँगा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलिए, बच्चियां मरी नहीं है। लेकिन ये तो ये उठ क्यों नहीं रही है? ये उनके शरीर हैं, उनकी आत्माएं यहीं आसपास हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक हमारे पास ये शरीर है, उन दोनों बच्चों की आत्माओं को इनके अंदर लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें जोकर की आत्मा को शांत करना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि ये बच्चे उसके नहीं है। लेकिन ये हमें सब कुछ जल्दी करना होगा, वरना आज रात के बाद मैं तुम्हारी बच्चियों को बचा नहीं पाऊंगी। नहीं,
कुछ कीजिए प्लीज। मुझे लगता है इसी घर में जरूर कोई ना कोई सुराग होगा। ढूंढो ढूंढो जल्दी से ढूंढो जल्दी से ढूंढो ढूंढो। मार्सिला जी ये देखिए ये मिला है। शिविर ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने अपने सपनों में देखा था। क्या? हाँ ये वही है। मैंने इन्हें देखा था। शिमित तुम्हें याद है साक्षी ने दो लड़कियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा था जिन्हें हम नहीं देख पाए थे। शायद वो यही लड़कियां हो। पहले वो रिया को दिखी फिर मुझे मेरे सपने में दिखी। माशाल्लाह जी ये वही लड़कियां हैं। ये उनकी फैमिली की एल्बम है। उन बच्चों की आत्माएं तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। हमें तुम्हारे सपनों में जाकर सच का पता लगाना होगा। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। मेरा सर्कस भी बंद हो गया। अब तो ये घर भी नीलाम हो जाएगा। अब हमारी बेटियों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। पापा, मत रोइए। क्यों रो रहे हो? प्लीज मत रोइए। हम हैं ना। पापा पापा कहाँ रो रहे हैं? पापा हाँ। आपको मम्मी की याद आ रही है? नहीं नहीं आप लोग हैं ना पापा के पास। पापा को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। पापा हमें केक नहीं चाहिए। हमें क्लाउन भी नहीं चाहिए। बस आप रोइए मत पापा प्लीज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। थैंक यू मेरे बच्चों। कल हमारे पास ये घर नहीं होगा। आपका बर्थडे ना आज ही सेलिब्रेट करेंगे। पापा आपके लिए केक लाएंगे और पापा आप हमारे लिए क्लाउन भी बनेंगे ना। हाँ बेटा पापा आपके लिए जोकर बन जाएंगे। आखिरी बार एक काम कीजिए आप यहीं वेट कीजिएगा। पापा आपके लिए केक लाएंगे। नेहा श्रुति नेहा। अरे यही वो शॉप जहाँ से हमारे पापा केक लेने आते हैं। हेलो बच्चों क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे पापा आए होंगे यहाँ केक लेने। आपके पापा? नेहा लगता है दोस्तों को बुलाने गए होंगे। कौन है आपके पापा बेटा? वो आज हमारे बर्थडे केक लेने आए होंगे यहाँ। बर्थडे केक पर क्या नाम लिखा है बेटा? नेहा और श्रुति। हाँ हाँ आए तो थे और वो केक लेकर चले भी गए। वाव चलो घर चलते पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ।
चलो नेहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो आज मैं अपने बच्चों को वो सरप्राइज दूंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय भैया। हाँ बोलो। आपकी दोनों लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है। मेरी बेटियां आएंगी, वो कहीं नहीं गईं। उनका आज बर्थडे है, हमें सेलिब्रेट करना है। मैं उनका बर्थडे मनाऊंगा, उनका मैं इंतजार करूंगा, जीते जी या मरने के बाद भी। ताबी, इसका मतलब उस जोकर की आत्मा इस घर में है जो आज भी अपनी बच्चियों के आने का इंतजार कर रही है। उस जोकर की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। वो अपनी बच्चियों के साथ जन्मदिन मनाना चाहता था जो कि वो मना नहीं पाया, इसलिए वो तुम्हारी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझ रहा है जिनके साथ वो जन्मदिन मनाना चाहता था और उन्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। तो अब हम क्या करें? तुम अपनी बच्चियों के शरीर के साथ बेसमेंट में बैठो और हम जोकर की बच्चियों की आत्माओं के साथ वहां पहुंचते हैं। ये Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Neha and Shruti, happy birthday to you. Shruti, Neha, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ Neha, Neha Shruti मेरे पास आओ, Neha, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ Neha Shruti. आप अपने पापा से मिलना चाहते हो ना? हाँ। तो चलो मैं आपको आपके पापा से मिलवाती हूँ। जय ये जय। थैंक यू पापा। जय, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहते हो, तुम्हारी बच्चियां मेरे पास हैं। जय, ये मेरे बच्चे हैं, तुम झूठ बोल रही हो, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, वो मेरी बच्चियां हैं। सुना तुमने?
माशाल्लाह जी। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। पापा आपको पता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप बेस्ट पापा हो। नेहा, श्रुति, वाह, आप लोग आ गए। आप कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं यहाँ आपके लिए तड़प रहा था, और आप मेरे लिए तड़प रहे थे ना? हाँ। हम तीनों साथ रहेंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। पक्का? हाँ। सुमित, साक्षी, रिया। Happy birthday to you, happy birthday to you, your papa is the best. साक्षी, रिया। पापा उठो ना। सुमित, मम्मा। साक्षी, रिया, तुम लोग ठीक हो? कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आ गई, अब सब ठीक है। हाँ शिमित, अपनी आंखें खोलो। शिमित देखो, सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे ठीक है। उठो ना शिमित, शिमित प्लीज अपनी आंखें खोल, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो जोकर की दुनिया खत्म हो गई है। शिमित उठो, देखो बच्चे ठीक है। शिमित, शिमित अपनी आंखें खोलो। ताबी, ताबी, बच्चों तुम लोग ठीक हो? हाँ बच्चों, ये लोग ये ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मरने के बाद सारे रिश्ते नाते और एहसास वही रह जाते हैं, पर नहीं, प्यार ही वो एहसास है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। प्यार ही तो है जो इस दुनिया से उस दुनिया को जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।